नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुनील कुमार और स्वागत है आपका इस चैनल पर आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स शुरू करने वाले हैं इस ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड सब कुछ बताया जाएगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया है लेकिन पता नहीं चल रहा है कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है आपको पता चल चुका है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा होता है लेकिन आप करना भी चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि कैसे करना है आप सी ई पी ई में कन्फ्यूज़ हो आपको पता नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं जैसे इसको एक्सरसाइज करना कॉन्ट्रैक्ट को क्या होता है ऑप्शन को अगर मैंने बाय किया तो उसमें एग्जिट कैसे करना है ऑप्शन में अगर मैंने बाय कर लिया तो मुझे लॉस कितना होगा प्रॉफिट कितना होगा ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली करनी कितनी है कितनी कैपिटल चाहिए हर एक चीज़ इस कोर्स में मैं कवर करूंगा और ये कोर्स सिर्फ बिगनर्स के लिए नहीं होगा इस कोर्स को देखने के बाद एक आप एक अच्छे इंटरमीडिएट ऑप्शन ट्रेडर बन जाओगे और इस ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स में मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ बताने वाला हूँ और ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग होगा हमारा और ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स है हमारा इसको मैंने पाँच चैप्टर्स में पार्ट्स में डिवाइड किया है आपको पाँच वीडियोज़ मिलेंगे इस ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स में और इन वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बेसिक से लेके एडवांस तक कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा जिनको यूज करके आप अच्छा एक करियर बना सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप अच्छे ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपको इस कोर्स में क्या क्या सीखने को मिलेगा पहला वीडियो ये जो वीडियो आप देख रहे हो इस वीडियो में मैं क्या बताऊंगा आपको कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है और हम जानेंगे कि कब हमको कॉल बाय करना होता है कब हमको पुट बाय करना होता है जिसको सीईपी कहते हैं कब हमने पुट बाय करना है कब हमने कॉल बाय करना है ये देखेंगे और मैं देखूंगा आपको बताऊंगा कि बायर और सेलर आप जानते हो कि ऑप्शन सेलर होते हैं ऑप्शन बायर होते हैं और दोनों में क्या फ़र्क है दोनों में से आपको कौन सी ऑप्शन बाइंग में जाना चाहिए या ऑप्शन सेलिंग में जाना चाहिए हम वो देखेंगे उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कुछ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड और बेसिक्स देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है कुछ बेसिक्स होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में फॉर एग्जांपल सी ई पी होता है स्ट्राइक प्राइस होता है आईटीएम होता है एटीएम होता है ओटीएम होता है ये सब हमको जानने जरूरी होंगे अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये होगा हमारा पहला चैप्टर ये जो वीडियो आप देख रहे हो इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा दूसरे चैप्टर में देखिए आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानने में मेरे हिसाब से और बहुत ज़्यादा थ्रेटिकल नॉलेज भी आपने देखी होगी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी तरह से कुछ यूट्यूबर्स समझाते हैं और आपने देखा होगा लेकिन फिर भी आपको आई नहीं होगी गारंटी देता हूँ मैं आपको आई नहीं होगी क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था अपने जब मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू की थी मैंने पाँच छः महीने यही जानने में लगा दिए थे कि असल में करनी कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग पता नहीं चलता था कि ऑप्शन ट्रेडिंग बाय कैसे करनी है डर लगता था कि कितना लॉस हो जाएगा अगर मैं बाय करूंगा कितना लॉस हो जाएगा ये नहीं पता चलता था कितना प्रॉफिट होगा उसका तो अलग से लॉस का ज़्यादा टेंशन होता था कि लॉस कितना हो जाएगा तो इस चक्कर में मैंने पाँच छः महीने ऑप्शन ट्रेडिंग की नहीं मतलब मैंने जान गया था उसके बारे में नॉलेज गेन कर रहा था लेकिन जानने को मिल नहीं रहा था जो कहते ना जो एग्जैक्ट नॉलेज चाहिए होती है किसी चीज़ को शुरू करने के लिए वो नहीं मिल रही थी तो उसी चीज़ को मैंने अपने दिमाग में रख के ये कोर्स डिज़ाइन किया है इस कोर्स में जो जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी उसके अकॉर्डिंग मैंने एक इन चैप्टर्स को डिवाइड किया है तो जैसे पहले चैप्टर में मैं ये बेसिक्स क्लियर कर दूंगा आपके थ्रेटिकल नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो होगा जो हमें बेसिक नॉलेज चाहिए वो ही हम यहाँ पे कवर करेंगे देखिए हम कोई फाइनेंस के स्टूडेंट तो है नहीं जो पढ़ के डेफिनेशन याद करेंगे हमें सिर्फ पता होना चाहिए सी क्या है स्ट्राइक प्राइस क्या है और ये चीज़ें हमें सिर्फ पता होनी चाहिए हमने कौन सा कोई एग्जाम देना है हमें सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में तो मैं थ्रेटिकल जो थ्योरी है बिल्कुल कम रखेंगे हम सिर्फ प्रैक्टिकल और लाइव एग्जाम्पल पे ही हम काम करेंगे तो इसके लिए पार्ट टू होगा जिसमें मैं लाइव ट्रेडिंग करके आपको कॉल कब बाय करना है पुट कब बाय करना है सी कब बाय करना है स्ट्राइक प्राइस जैसे आप जानते हो गए सी देखा होगा आपने अठारह सी देखा होगा अठारह सी पी ऐसे देखते होंगे पता नहीं चलता होगा ये क्या है तो वो चीज़ें हम सेकंड चैप्टर में लाइव ट्रेडिंग करके देखेंगे उसमें थ्योरी कुछ नहीं होगा लाइव ट्रेडिंग कर लेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा अभी देखिए ये दो चैप्टर सिर्फ दो चैप्टर ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए कंप्लीट होंगे अगर आप ये दो चैप्टर देख लोगे आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ठीक है तो जैसे कुछ लोग जो सिर्फ देखिए गैम्बलिंग देखिए सॉरी फॉर द वर्ड्स अगर गैम्बलिंग के लिए आते हैं उनके लिए इतना ही बहुत है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है वो शुरू कर लेंगे यहाँ से ही लेकिन अगर आप प्रोफेशनली ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लेते हो तो आगे के चैप्टर जरूर देखना जिनमें पार्ट थ्री थ्री में मैं ऑप्शन ग्रीक्स कुछ ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन ग्रीक्स है जैसे थीटा गामा वीगा और डेल्टा इनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है अगर आप प्रोफेशनली ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो चाहे बाइंग करना चाहते हो सेलिंग करना चाहते हो आपको ये ग्रीक के बारे में पता होना चाहिए इसीलिए मैंने कोर्स ही ऐसे डिजाइन किया है कि जो सिर्फ जानना चाहते हैं गैमलिंग वाले वो सिर्फ पहले दो चैप्टर में उनको पता चल जाएगा ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे होती है लेकिन जो सीरियस हैं वो आगे जाएंगे वो देखेंगे पार्ट थ्री जिसमें मैं बताऊंगा कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं उनको कैसे यूज़ करना है फिर फोर्थ पार्ट में मैं आपको बता दूंगा अगर आपके पास कैपिटल कम है तो ऑब्वियसली आप ऑप्शन बाइंग में जाओगे ऑप्शन बाइंग में कम कैपिटल चाहिए होता है लेकिन उसमें भी कुछ स्ट्रैटर्जीज होती है उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा देखिए बेसिक होंगी बेसिक नहीं होंगी मतलब वो अच्छी स्ट्रैटर्जीज़ होंगी जो काम करती हैं आप इन फ्यूचर और अच्छी बना लोगे जब ऑप्शन ट्रेडिंग कर लोगे शुरू कर दोगे लेकिन ये जो ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटर्जी पार्ट फोर में मैं बताऊँगा इनको यूज़ करके भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे और ऑप्शन ट्रेडिंग में अच्छा एक्सपीरियंस ले लोगे उसके बाद अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटर्जीज बना लेना चैप्टर फाइव होगा जो उसमें अगर आपके पास कैपिटल अच्छा है तो आप सेलिंग में जाना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा इन दैट केस मैं ऑप्शन सेलिंग की आपको स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो बहुत ही अच्छी होती हैं बहुत ही अच्छा विन रेट होता है जिनका तो देखिए डिजाइन ही ऐसे किया है कि पार्ट टू तक आपको बेसिक नॉलेज आ जा जाएगी ऑप्शन ट्रेडिंग करने कैसे है उसके बाद थ्री फोर और फाइव आपको लेके जाएंगे एडवांस की तरफ एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग ट्रेडिंग की तरफ आपको लेके जाएंगी तो चलिए मैं आपको एक एडवाइस दे दूं कोर्स uh, शुरू करने से पहले कंप्लीट कोर्स को देखना आपने बहुत सारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी बहुत कंटेंट देख लिया होगा ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पहले ही बहुत कुछ पता चल गया होगा कि एक्सपायरी डेट क्या होती है ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ये कंप्लीट कोर्स करना इन फ्यूचर आपके ट्रेडिंग करियर में ये सबसे अच्छा वीडियो होगा क्योंकि आपको अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग सीरियसली एज अ बिजनेस करना चाहते हो तो ये कोर्स कंप्लीट करना आप ठीक है इसमें मैं ज़्यादा थ्योरी का कुछ नहीं होगा सब कुछ प्रैक्टिकल होगा और थ्योरी उतनी होगी जितनी चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें जरूरी है कुछ जानना जरूरी है ऑप्शन ट्रेडिंग में उसके बिना आप नहीं कर पाओगे तो वही हम सिर्फ इसमें रखेंगे तो चलिए आई विश यू लक आप अच्छा सक्सेस करो ऑप्शन ट्रेडिंग के इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद तो चलिए चैप्टर वन को शुरू करते हैं पार्ट वन को शुरू करते हैं पार्ट टू लाइव ट्रेडिंग करेंगे हम पार्ट थ्री में मैं आपको ऑप्शन ग्रीक बता दूंगा और पार्ट फोर और फाइव में आपको ऑप्शन बाइंग और सेलिंग स्ट्रेटजीज बता दूंगा तो चलिए शुरू करते हैं ओके okay, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो ये बेसिक्स आपको जरूर होना चाहिए सीई सीई का मतलब होता है कॉल ठीक है पी पी का मतलब होता है पुट ठीक है आईटीएम आईटीएम का मतलब होगा इन द मनी ऑप्शन ओ का मतलब होगा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ए का मतलब होगा ए एट द मनी ऑप्शन एंड स्ट्राइक प्राइस का मतलब होगा जैसे मान लीजिए अठारह पे निफ्टी है अभी और आप कह रहे हो कि अठारह पे जाएगा निफ्टी तो अठारह आपका strike price स्ट्राइक प्राइस है ठीक है ऐसे अठारह स्ट्राइक प्राइस होता है 300 स्ट्राइक प्राइस होता है एल टी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो एल आपको पता होगा लेकिन फिर भी बता दो लास्ट एडेड प्राइस कहते प्र हैं इसको एक्सपायरी एक्सपायरी देखिए मंथली होती है और वीकली होती है इंडेक्स जो होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी इसमें वीकली एक्सपायरी भी होती है मतलब हर हफ्ते भी एक एक्सपायरी होती है और एक मंथली एक्सपायरी होती है जो वीकली uh, एक्सपायरी होती है वो रविवार थर्सडे को होती है मतलब जो हर थर्सडे को एक एक्सपायरी होती है वीकली और एक लास्ट थर्सडे थर्सडे होता है जो मंथ का एक एक्सपायरी तब होती है उसको हम मंथली एक्सपायरी कहते हैं और एक हर वीक एक्सपायरी होती है देखिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सैटरडे को तो आज अभी जो अगला आएगा थर्सडे तब एक एक्सपायरी एक होगी और वो जो थर्सडे होगा वो होगा ट्वेंटी फोर्थ को ट्वेंटी फोर्थ को फेबररी को ट्वेंटी ट्वेंटी टू को और वो लास्ट थर्सडे होगा उस दिन एक्सपायरी होगी मंथली भी वीकली तो होगी मंथली भी होगी वो एक ही होती है ठीक है जैसे मैंने आपको बता दिया वीकली एक्सपायरीज होती हैं और मंथली होती है हर वीक भी एक एक्सपायरी एक होती है इंडेक्स में और हर वीक भी होती है जो स्टॉक होते हैं उनमें मंथली ही होती है ओ आई ओ आई का मतलब है ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट का मतलब है जैसे मान लीजिए अठारह अच्छा हज़ार निफ्टी है तो उसका ओ आई उस टाइम अठारह अच्छा हज़ार पे कितने लोग इंटरेस्टेड हैं कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है उसको हम ओ आई में देखते हैं तो चलिए ये सारी चीज़ें ना मैं आपको चार्ट पे बता देता हूं अभी सिर्फ मैंने आपको एप्लीकेशन का फुल फॉर्म बता दिया था अभी मैं आपको बता देता हूँ चार्ट पे। अभी देखिए ये मैंने बताया था आपको ओ आई ओ आई का मतलब होता ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है चार्ट पे ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे लैक्स में है मतलब लाखों में है अभी देखिए जो 14 फरवरी देखिए के यहाँ पे जैसे मैंने बताया वीकली एक्सपायरीज होती है अभी देखिए तीन को तीन मार्च को एक्सपायरी होगी दस मार्च को एक्सपायरी होगी ये वीकली होती हैं और सीधी जो मार्च की मंथली जो एक्सपायरी होगी वो थर्टी मार्च को होगी अभी देखिए ये ऑप्शन चेन डेटा है इधर वाले जो साइड है ये देखिए ये स्ट्राइक प्राइस होते हैं जैसे 17,300, 17,250, 17,200 सौ ये स्ट्राइक प्राइस कहते हैं इसको इधर वाली साइड को हम कोल्स कहते हैं ये देखिए लिखा हुआ कोल्स ये सारे कोल्स हैं और इधर की साइड लिखा हुआ है पुट्स ठीक है कोल को हम सेल भी कर सकते हैं बाय भी कर सकते हैं इसी तरह पुट को हम बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं ठीक है ओके सबसे पहले हम देख लेते हैं एटीएम क्या होता है एटीएम मतलब एज ऑफ नाउ जहां पे मार्केट है अभी जैसे आप देख रहे हो जहां पे मार्केट है उसको हम कहते हैं एट द मनी यह है सत्रह हजार तीन सौ पे एज ऑफ नाउ मार्केट क्लोज हुई थी हमारी तो यह है एट द मनी सत्रह हजार तीन सौ ऐट द मनी है और एट द मनी यह कोल साइड का प्राइस है और यह पुट साइड का प्राइस है अभी इन द मनी यह कोल साइड है कोल साइड में ये सारे जो ऊपर के प्रीमियम है यह द मनी प्रीमियम्स है और ओटीएम जैसे मैंने बताया था आपको आउट ऑफ द मनी आउट ऑफ द मनी मतलब जो मार्केट की रेंज से अभी बाहर है देखिए मार्केट अभी सत्रह हज़ार तीन सौ पे है तो मतलब सत्रह हजार साढ़े तीन सौ पे अभी मार्केट नहीं गई है तो ये कोल साइड का आउट ऑफ द मनी है सार ये सारे ऑप्शन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है एज ऑफ नाउ मार्केट सत्रह हजार तीन सौ पे है, ये द मनी है और ये सारे ऊपर वाले इन द मनी है इसी तरह हम पुट साइड में जाएंगे पुट साइड में एट द मनी है हमारा सत्रह हजार तीन सौ जिसका अभी रेट चल रहा है एक सौ नब्बे रुपये और एट द मनी के पुट uh, साइड में आई मतलब इन द मनी ये सारे नीचे के ऑप्शन इन द मनी है और ये जो ऊपर के ऑप्शन है ये आउट ऑफ द मनी ओ टी एम ऑप्शन है ठीक है ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है जो मैं बता रहा हूं बस आप वो समझना आगे हम सब कुछ सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा एल टी पी लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब सत्रह हज़ार तीन सौ का जो ऑप्शन का प्राइस था लास्ट एडेड प्राइस था वो है वन सेवनटी सेवन कोल साइड का और वन पुट साइड का मतलब अभी अगर आपने एट द मनी ए टी एम कोल साइड मगर अगर मान लीजिए आप बोलिश हैं कोल साइड का प्रीमियम आपने खरीदना है तो आपको 177 पे करने होंगे अगर आप नीचे का खरीदना चाहते हो पुट का तो 190 पे करने पड़ेंगे फिर से मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ सुनो जो कह रहा हूँ आगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा ठीक है उसके बाद ओ आई ओ आई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट एज ऑफ नाउ कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है मतलब देखिए सत्रह हज़ार तीन सौ पे अगर हम जाएंगे तो इकतीस लाख बीस हजार कॉन्ट्रैक्ट ओपन है और इधर हम देखेंगे चौतीस लाख देखिए अभी सत्रह हज़ार तीन सौ पे ओ आई कितनी है हमारी इकतीस लाख बीस हज़ार और इधर हम पुट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए थर्टी फोर पॉइंट वन लिखा हुआ है इसका मतलब ये लैक्स में ऊपर देखिए लिखा हुआ लैक्स में है तो यहाँ पे चौंतीस लाख दस हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इसी तरह यहाँ पे देखिए फिफ्टी एट लैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है और इधर देखिए फोर्टी एट लैख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है तो ये होता है ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है ठीक है इसको हम कहते हैं ओ ये वीगा थीटा और डेल्टा एडवांस होगा जिसको हम पार्ट थ्री में कवर करेंगे ठीक है ये थी बेसिक्स आपको जो पता होने ज़रूरी थे एट द मनी मतलब अभी मार्केट का आम है सत्रह हजार पे इसी तरह चलिए अभी हम बैंक निफ्टी में देख लेते हैं आपको फिर थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अभी देखिए बैंक निफ्टी में एट द मनी क्या है यहां पे मार्केट क्लोज हुआ था सैंतीस पे तो ये एट द मनी है अभी ये जो एट द मनी ऑप्शन कोल साइड का जो प्राइस है फोर नाइन्टी फाइव है और एट द मनी पुट साइड का प्राइस है फाइव ट्वेल्व फाइव हंड्रेड ट्वेल्व रुपीज और कोल साइड के द मनी ऑप्शन कौन से हैं ये वाले ये द मनी है मतलब देखिए जैसे सैतीस हजार छ सौ है सैतीस हजार पांच अभी देखिए सैतीस हजार सौ पे मार्केट है मतलब हम अगर सैंतीस हज़ार पाँच सौ उसके नीचे मतलब उसके अंडर आ रहा है उसको हम कहते हैं इन द मनी अगर मैं सैंतीस हजार सात सौ का हूँ तो वो अभी सैंतीस हजार छः सौ पे मार्केट है सात सौ मतलब आउट बाहर है छः सौ के अंडर नहीं आ रहा है सैंतीस हजार छः सौ के सैंतीस हज़ार सात सौ पे आ रहा है इसको हम इसीलिए हम उसको ओ टी एम आउट ऑफ द मनी कहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये सैतीस हजार छः सौ पे आई टी एम मतलब ए टी एम मतलब एट द मनी नीचे सारे आउट ऑफ द मनी है और ऊपर सारे इन द मनी है इसी तरह हम पुट साइड में भी सेम करते हैं सैंतीस हज़ार छः सौ पे मार्केट है मतलब पांच सौ बारह रुपये वाला जो प्रीमियम है ये है अभी एट द मनी और इसके नीचे ये देखिए कोल की सर उल्टा हो जाता है इसके नीचे सारे इन मनी है और इधरली साइड सारे आउट ऑफ द मनी है ठीक है इसको हम कहते हैं एटीएम ओटीएम एंड आईटीएम और ओआई देखिए ओ वाई यहाँ पे सैंतीस हज़ार छः सौ पे बैंक निफ्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं पहले हमने निफ्टी देखा था यहाँ पे सिर्फ तीन लाख दस हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे दस लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और अगर हम पुट साइड में जाएँ तो यहाँ पे बारह लाख बीस हज़ार कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहाँ पे चौदह लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनके बारे में हम बाद में मैं बताऊंगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिर्फ आपको अभी जानना है कि आ, कोल साइड ये कोल साइड इसको इसके जो भी होंगे इनको हम सी कहेंगे इधर वाली साइड को हम पी कहेंगे ठीक है सिंपली कॉल को हम सी कहते हैं पुट को हम पी कहते हैं तो ये थोड़ी चीज़ें थी जिनको आप जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी था ओके okay, देखिए यहाँ पे ये सारे मैंने आपको बता दिए यही बेसिक आपको जानने थे अभी हम चलते हैं आगे आगे देखिए अभी ऑप्शन में जैसे मैंने बताया कॉल साइड होती है एक एक पुट साइड होती है ठीक है हमने देखा एक कॉल साइड होती है एक पुट साइड होती है जो कॉल साइड होती है उसमें भी दो ऑप्शन होते हैं लकॉम को बाय भी कर सकते हैं कोल कॉम को सेल भी कर सकते हैं उसी तरह पुट साइड जो होती है पुटकॉम बाय भी कर सकते हैं पुटकॉम सेल भी कर सकते हैं तो अभी देखिए आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है बिल्कुल सिंपल आपके लिए मैंने जो बनाया है इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप ऑप्शन बायर हो फिर से मैं आपको बता दूं अगर आप ऑप्शन बाइंग करने वाले हो तो आपने ये याद रखना है ये जो मैं बता रहा हूं अभी स्क्रीन पे अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपने कोल बाय करना है जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी जब आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कोल बाय करोगे सिंपल अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप पुट बाय करोगे ठीक है सिर्फ दो चीजें अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो लिमिटेड फंड है दस हजार बीस हजार पचास हजार से शुरू करने वाले तो आप ऑब्वियसली ऑप्शन बाइंग की ओर जाओगे तो ऑप्शन बाइंग में आपने पुट में जैसे मैंने आपको बताया सेलिंग के ऑप्शन बाइंग के ऑप्शन उसमें कंफ्यूज नहीं होना है सब कुछ भूल जाओ सिर्फ ये याद रखो अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कोल को बाय करोगे अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप पुट को बाय करोगे सिर्फ यही याद रखना है आपने इसी तरह अगर आप कंफ्यूज हो गए कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा खरीदना है वो भी सब कुछ लाइव दूसरे चैप्टर में हम देखेंगे सिर्फ आपको ये अभी याद रखना है कि अगर आप बुलिश हो आपको लगता है मार्केट अभी मान लीजिए जैसे हमने देखा था सत्रह सैंतीस हज़ार छः सौ पे मान लीजिए अभी बैंक निफ्टी अगर आपको लगता है कि ऊपर को जाएगा 38000 हज़ार उनतालीस हजार को जाएगा तो आपने कोल को बाय करना है अगर आप बुलिश हो तो कोल बाय करोगे अगर आप बेरिश हो तो पुट बाय करोगे सिंपल ये याद रखो आगे हम चलते हैं फोर ऑप्शन सेलर्स अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप आपको सेलिंग के बारे में ज्यादा झुकाव होगा आपके बारे, आ, सेलिंग के बारे में जाओ आ, सेलिंग की ओर जाओगे आप क्योंकि आपको पता है कि सेलिंग में ज्यादा प्रॉफिट होता है अगर आप सेलर बनने वाले हो तो आपने उल्टा कर रहे हैं अभी देखिए अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा देखिए फिर से मैं थोड़ा क्लियर कर दूं अगर आप ऑप्शन बायर हो ना तो ये चीज़ आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने आप ये चैप्टर को थोड़ा इसको इस पॉइंट को आप इग्नोर कर दो उसी तरह अगर आप ऑप्शन सेलर बनने वाले हो तो आप बाइंग वाला थोड़ा कर दो बाद में आपको पता चल जाएगा अभी आप उसको इग्नोर कर देना अगर आप ऑप्शन सेलर बनने वाले हो आपके पास फंड ज्यादा है तो आपने क्या करना है जब मार्केट ऊपर जाएगी ना आपने पुट को सेल करना है सेल पुट इफ मार्केट इज गोइंग अप और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आपने क्या करना है कोल को सेल करना है सेल कोल इफ मार्केट इज गोइंग डाउन यहां पे देखिए अगर आप बायर थे ऊपर जा रही है मार्केट आपको लग रहा है कि आप मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कोल को बाय करोगे उसी तरह अगर आप सेलर बनने वाले हो फंड ज्यादा हैं क्योंकि आपको अगर सेलर कर, बनोगे तो एक स्लोट सेल करने के लिए बैंक निफ्टी का आपको एक लाख सत्तर हजार के करीब लगेंगे तो इन दैट केस अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी तो आप पुट को सेल कर देना लेकिन अगर आप बायर बनने वाले हो बायर के लिए थोड़े पाँच हजार दस हजार से ही एक लोट बाय हो जाता है बैंक निफ्टी का और निफ्टी का तो इन दैट केस आपने अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी कॉल बाय कर लेना मार्केट नीचे जाएगी पुट बाय कर लेना सिंपल है ठीक है अगर आप सेलर बनने वाले हो तो आप उल्टा करोगे अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप पुट को सेल करोगे अगर मार्केट नीचे आ रही है तो आप कॉल को सेल करोगे देखिए ये कोर्स मैंने ऐसे डिजाइन किया कि आप ऑप्शन सेलर भी बन सको और ऑप्शन बायर भी बन सको इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग हलाना पड़ेगा थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे थोड़ा रिपीट करना बहुत डिटेल में मैंने अभी आपको रिपीट कर करके चार पांच बार बताया आपको पता चल जाएगा मेन यही कंफ्यूजन होता है जो ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं यहां पर अटकते हैं तो इसको मैंने एज सिंपल एज जैसा मैं कर सकता था वैसे बताने की कोशिश की है ठीक है अभी नेक्स्ट चलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बिफोर मैं इस चैप्टर को क्लोज कर दूं पहला पार्ट अभी हम कंप्लीट कर दूं मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं तो सबसे पहले क्या होता है आपने देखा होगा पहले नंबर पे आप कंफ्यूज हो गए जो कि मैं भी था जब मैं ऑप्शन बाइंग में कर, करना चाहता था सेलिंग या बाइंग जो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता था मुझे पता नहीं चलता था तो कि अभी मैंने ऑप्शन बाय कर लिया मान लीजिए मुझे ये नहीं पता चलता था कि ओ, जब एक्सपायरी होगी मैं क्या तब एग्ज़िट कर सकता हूँ या जो जब एक्सपायरी होगी क्या मुझे सब कुछ बाय करना पड़ेगा मुझे नुकसान कितना हो जाएगा ये नहीं पता चलता था कि कितना नुकसान हो जाएगा आ, मुझे क्या बैंक निफ्टी के सारे अठारह हज़ार का एक बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है तो क्या मैं सारे लोट बाय करूंगा इतने तो मेरे पास पैसे नहीं है ये सारी चीज़ें चलती थी इसी डर में मैं करता नहीं था वो तो मैं आपको क्लियर कर दूँ ऑप्शन ट्रेडिंग को आप सिंपल जैसे स्टॉक टाटा का स्टॉक एस पी की स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो किसी भी टाइम एंट्री किसी भी टाइम एग्जिट ऐसे ही यहां पे होगा कुछ भी नहीं होगा अभी आप ऑप्शन सौ रुपये का बाय करो अगर आप 110 पे गया एग्जिट मारो प्रॉफिट बुक करो एग्जिट मारो कुछ नहीं होता है सिर्फ़ एक ना हवा बना दिया हुआ है कि जो स्मॉल इन्वेस्ट जो ट्रेडर्स होते हैं ना रिटेल बिल्कुल छोटे वाले वो दूर ही रहे कि इतना डर फैलाया हुआ है ना ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे ऑप्शन बाइंग ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना कुछ भी नहीं होता अभी आप एंटर करो अभी एग्जिट कर दो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपका जो प्रॉफिट लॉस होगा वो बुक करो किसी भी टाइम बस आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि लास्ट जब मान लीजिए एक्सपायरी रविवार को जैसे मैंने थर्सडे को आपको बोला है कि एक्सपायरी होती है तो उस दिन आपने क्या करना है एंड जो एंड तीन चौबीस पे मार्केट इंट्राडे बंद हो जाती है तो आपने तीन पीस पे एक, एक, से पहले पहले एग्जिट कर देना क्योंकि कई बार ओपन इंटरेस्ट नहीं होता है तो एग्जिट करने में प्रॉब्लम आती है जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको तो आप चौबीस तक भी रुक सकते हो लेकिन एज ऑफ नाउ आप एज ऑफ नाउ आप तीन बीस से पहले पहले निकल जाना एक्सपायरी डे पे कोई बात नहीं कोई इशू नहीं होता है जैसे आप ट्रेडिंग करते हो ना टाटा मोटर्स या एस किसी भी स्टॉक में वैसे ही यहाँ पे होता है ऑप्शन बाय करो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बुक करो लॉस हो रहा है तो बुक करो को किसी भी टाइम कर सकते हो कोई इशू नहीं है ओके जो सेकंड है ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था एक बहुत ही रिनाउंड यूट्यूबर हैं और एक्चुअली फाइनेंस जो से फाइनेंस मार्केट में बहुत जाने में पहचाने हैं उनका नाम भी बहुत है उनका एक वीडियो देख रहा था मैं और वो ना बड़े कह रहे थे कि ऑप्शन सेलर्स आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पीपल ये चीज़ ना मुझे अच्छी नहीं लगी क्योंकि इससे मैं अग्री नहीं करता हूँ वो एक अच्छे फाइनेंस एडवाइज़र हैं लेकिन वो इतनी ऐसी बात कर रहे थे मुझे अच्छी नहीं लगी कि ऑप्शन सेलर बहुत स्मार्ट होते हैं वो ऐसे कह रहे थे ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये सबसे बड़ा झूठ है ऐसा नहीं होता है ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स दोनों इक्वली स्मार्ट होते हैं ठीक है और देखिए अगर ऐसा वो कह रहे थे वो मैं आपको बता दूं ऑप्शन बायर्स ज्यादा स्मार्ट होते हैं एक्चुअली बाय कंपल्शन उनको ज्यादा स्मार्ट बनना पड़ता है क्योंकि उनको फेस करना पड़ता है टाइम डिके थीटा जो सेलर को नहीं करना पड़ता है जो टाइम डिके हम आगे बाद देखेंगे टाइम डके के कारण जो ऑप्शन बायर होता है ना उसको टाइमली एग्जिट करना पड़ता है मान लीजिए अभी आपने सौ रुपये का कोई प्रीमियम खरीदा था और मार्केट ऊपर गई सी खरीदा था आपने मार्केट ऊपर गई तो मान लो अभी मार्केट आ गई जो आपने सौ का प्रीमियम पे किया था अभी वो डेढ़ सौ चल रहा है ठीक है मान लीजिए यहाँ पे डेढ़ चल रहा है अगर मार्केट थोड़ा सा भी रिवर्स करी ना वो डेढ़ का अभी सीधा एक हो जाएगा इसको कहते हैं टाइम डके ठीक है वो टाइम डिके की वजह से बहुत जल्दी गिर जाते हैं प्रीमियम इसी कारण जो ऑप्शन बायर होता है उसको बड़े अच्छे डिसीजन लेने पड़ते हैं उसका जो डिसीजन मेकिंग होता है ना बहुत अच्छा होना चाहिए और उसका टाइमिंग बहुत अच्छा होना चाहिए एंट्री एग्जिट सब कुछ अच्छा होना चाहिए तो अगर ऐसा कह रहे थे कि स्मार्ट पीपल होते हैं सेलर ऐसा नहीं होता है दोनों स्मार्ट होते हैं ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ बायर ही होते हैं दोनों स्मार्ट पीपल होते हैं सिर्फ बायर जो सेलर होता है ना ऑप्शन सेलर उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है जहां कह लो प्रिविलेज होता है कि उनके पास पैसे ज्यादा होते हैं बायर की बजाय उनके पास पैसे ज्यादा होते हैं और ऐसे बहुत ज्यादा ऑप्शन बायर्स हैं जो ऑप्शन सैलर से ज़्यादा करोड़ों में कमाते हैं और ऐसे बहुत ज्यादा सेलर्स हैं ऑप्शन सेलर्स हैं जो बायर से ज़्यादा कमाते हैं लेकिन टाइम डिके की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर विन करते हैं यही उनका टाइम डिके जो थीटा है मैं आपको चैप्टर थ्री में हम देखेंगे टाइम डिके की वजह से वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं अदरवाइज दोनों ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर स्मार्ट होते हैं और एक उन्होंने बताया था उसी वीडियो में मैं सुन रहा था कि जो सेलर ऑप्शन सेलर होते हैं ना वो बता रहे थे कि आपने जो बायर की एग्जाम्पल दे रहे थे कि, कि बायर ने हज़ार रुपया जैसे पे कर दिया किसी प्रीमियम के लिए उसका मैक्सिमम लॉस हज़ार रुपये होता है और जो सेलर होता है उसका लॉस तो अनलिमिटेड होता है ऐसा कुछ नहीं होता है मान लीजिए मैं ऑप्शन सेलर हूं अभी मैंने कोई ऑप्शन सेल किया है सौ रुपए का ठीक है सौ रुपए का सेल किया है मैंने और उसके हिसाब से मुझे मान मैं लीजिए मैंने बैंक निफ्टी का एक लोट सेल किया है और उसका जो लॉट साइज होगा उसके हिसाब से जैसे पच्चीस का लॉट होता है पच्चीस का एक लॉट होता है बैंक निफ्टी का सौ रुपया मैंने लिया मतलब पच्चीस सौ रुपये देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको बैंक निफ्टी का एक लोड होता है पच्चीस का और उसको मैं जैसे मैं सौ रुपया प्रीमियम मैं सेलर हूँ तो मुझे सौ रुपया मैक्मम यही मिलना होता है अगर आप बायर हो तो मैक्मम लॉस ही होता है अगर आप सेलर तो मैक्सिमम प्रॉफ़िट ये होता है अभी देखिए मैं पच्चीस सौ रुपया मुझे मिलेगा तो अभी मैंने ये पच्चीस सौ का मान लीजिए ये मैंने कर दिया पुट कॉल को मैंने पच्चीस सौ को का एक कोल सेल कर दिया मैं ठीक है लेकिन क्या हो रहा है मार्केट ऊपर जा रही है ऊपर जा रही है तो मुझे लॉस होना शुरू हो जाएगा मैं ऑप्शन सेलर हूँ तो क्योंकि सी मैंने सेल किया है सी सेल करने का मतलब कि मेरे हिसाब से मार्केट नीचे आना चाहिए था सी अगर ऑप्शन सेलर नूँ लेकिन मार्केट जा रहा है ऊपर मुझे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है तो मुझे एक चीज़ बताइए अभी मैंने सिर्फ मुझे 2500 मिलना है तो क्या उसकी बजाय जैसे मान लीजिए अभी मार्केट मुझे 2500 का लॉस हो गया थोड़ी देर मैंने और वेट किया पाँच हज़ार दस हज़ार पंद्रह हज़ार बीस हज़ार क्या मैं ऐसे वेट करूंगा ऐसे नहीं करूंगा ना मैं मेरा कुछ स्टॉप लॉस होगा तो ऑप्शन सेलर का जो लॉस होता है ना अनलिमिटेड नहीं होता है वो ट्रेड शुरू करने से पहले ही अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं जैसे पच्चीस सौ रुपये मुझे सिर्फ मिलने थे तो क्या ये पच्चीस सौ लेने की वजह लेने के, के खातिर मैं लाखों का लॉस कर लूंगा ऐसा नहीं होता है अगर मैं जैसे ऑप्शन सेलर हूं तो पच्चीस सौ मुझे मिलने तो ये मैक्सिमम मुझे पच्चीस सौ तीन हजार का ही स्टॉप लॉस दूंगा जब मुझे तीन हजार का लॉस होगा मैं एग्जिट कर दूंगा तो ऑप्शन सेलर को कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं होता है ये एक सिर्फ मिथ है एक ऐसे अफवाह फैलाई गई है कि ऑप्शन सेलर का अनलिमिटेड लॉस होता है वो स्मार्ट पीपल होते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है जब कोई ऑप्शन सेलर ट्रेड डालता है वो पहले स्टॉप लॉस डिसाइड कर लेता है जहां वो स्ट्रेटजीज ही ऐसे ही डालता है आगे जो चैप्टर फाइव में ऑप्शन सेलर की स्ट्रेटजीज बताऊंगा उनमें फिक्स लॉस होता है पाँच हज़ार रुपया फिक्स लॉस है प्रॉफिट उसमें बहुत ज़्यादा होता है लेकिन लॉस मैक्सिमम पाँच हज़ार ही होता है तो ऑप्शन सेलर पहले ही ऐसी स्ट्रेटजीज डालते हैं जिसमें लिमिटेड लॉस होता है तो ये था एक बात बतानी आपके लिए ज़रूरी था और फिर से मैं क्लैरिफाई कर दूँ दो, दोनों तरह के ट्रेडर स्मार्ट होते हैं इसी वजह से मार्केट ऊपर जाता है नीचे जाता है ठीक है हर बार सैलरी पैसा नहीं कमाते ऑप्शन में बायर्स हैं बहुत बहुत अच्छे बायर हैं जो करोड़ों में कमाते हैं और सिर्फ बाइंग ही करते हैं तो इसी वजह से मार्केट चलता है अगर सिर्फ बायर ही कमाते रहेंगे तो सैलर अगर सिर्फ सैलर तो ही कमाते रहेंगे तो बायर कहाँ से आएंगे बायर ही कमाते रहेंगे तो सैलर कहाँ से आएंगे दोनों कमाते हैं दोनों का टाइम होता है लेकिन सिर्फ ऑप्शन सैलर टाइम डिके की वजह से बार बार ज्यादा विन रेट होता है उसका ओके okay, तो ये था चैप्टर वन पार्ट वन अगर आपने देखा है थोड़ा बोरिंग होगा मुझे पता है आप पढ़ने का शौक तो इतना होता ही सभी को तो क्या होता है कि ये बेसिक नॉलेज था ये चाहिए था इसके बिना नहीं चलना है वीडियो को रिपीट देखना अगले पार्ट टू में हम लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं जैसे कॉल कब बाय करना है पुट कब बाय करना है कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है ये सभी हम चैप अभी अगले वीडियो में देखने वाले हैं इस वीडियो को दोबारा रिपीट जरूर देख लेना मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ़ द जो हमारे जो व्यूअर्स होंगे उनको पता नहीं चला होगा दोबारा देखोगे पता चलेगा बहुत कहते हैं ना बिल्कुल ले वाली लैंग्वेज उसमें समझाने की कोशिश की है मैंने एग्ज़ाम तो हम फाइनेंस के स्टूडेंट तो है नहीं हमें सिर्फ बेसिक नॉलेज चाहिए थी कि ये चीज़ें क्या है सी क्या है ए क्या है आउट ऑफ द मनी ए टी एट ऑफ द एट द मनी आई इन द मनी क्या है ये स्ट्राइक प्राइस क्या है तो ये मैंने बता दिया आपको एक बार रिपीट देखना आपको पता चल जाएगा अभी पार्ट टू में मिलते हैं यहां पे हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे करनी है ऑप्शन ट्रेडिंग तो चलिए मिलते हैं पार्ट टू में